गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट मैथ। ओपन योर बुक्स। टुडे डेट इज 16/7/2020। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3, ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, पेज नंबर 25। स्टूडेंट, कल मैंने आप लोगों को चैप्टर 3 में प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई थी, समझा दिया था आप लोगों को, कुछ एग्जांपल बचे हुए हैं और इसका जो थ्योरिकल पोर्शन है वो आज मैं आपको समझा देती हूँ, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल है जैसे थर्ड नंबर, फाइंड द सम एंड चेक द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशनल फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको दिया है a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। जैसे नंबर वन है 294 प्लस 732 प्लस 847। तो हमने इसको पहले क्या a b प्लस सी एज्यूम किया, तो a प्लस को पहले ऐड करेंगे और फिर उसमें ऐड करने के बाद जितना भी आ जाएगा फिर नेक्स्ट नंबर को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद इक्वल करने के बाद ए नंबर को सिंगल रखेंगे और आपके जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग बी एंड सी को ऐड करेंगे, लेकिन इनका आंसर जो होगा दोनों का सेम होगा। ओके स्टूडेंट, इसी फॉर एग्जांपल में इसी तरह सेकंड नंबर भी है आपका, नेक्स्ट है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सुटेबल, जो भी आपको सुटेबल लगे, क्वेश्चन दिया है आपको अपने सुटेबल के जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग करना है। देखिए वन नंबर है जैसे 636 प्लस 927 प्लस 364, थ्री नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इसको रीअरेंज करना है। तो अगर हम देखें तो इसमें थ्री डिजिट है ए बी प्लस सी, अगर हम ऐड करेंगे तो ए और बी को ऐड कर दें, फिर थर्ड नंबर को सी को ऐड कर दें ब्रैकेट में करके, तो ए बी को ऐड किया, ऐड करने पर क्या मिल रहा है, देखिए हमको सुटेबल मतलब इजी करने जो नौ जिसको ऐड करने पर, फॉर एग्जांपल ये है मतलब हम जितना सरल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को उतना, जैसे कैलकुलेशन जो होता है अगर आप लोग देखेंगे जो 10 10 ऐड करना होगा 100 100 तो आप लोग जल्दी कर लोगे, अगर आप इसको इस डिजिट को ऐड कर रहे थे तो आपका कुछ मे बी ज़्यादा डिजिट आती चेंजेस आकर, लेकिन अगर ए और सी को ऐड कर रहे हैं आप तो देखिए ये 1000 बन रहा है, 1000 में 927 अगर ऐड करेंगे तो आप ओवरऑल ही बता देंगे। ओके स्टूडेंट, और नहीं तो कोई कोई बच्चे अगर यहाँ डिजिट जीरो की बजाय डिजिट होती तो आप लोगों को ऐड करने में टाइम लगता। अब जैसे इसी तरह सेकेंड नंबर है, फॉर एग्जाम्पल में 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 77 प्लस 78 प्लस 79। अगर हम देखते हैं तो हमारे प्रॉपर्टीज वाले तो इसमें कोई भी फॉर्मूलाज नहीं लग रहे क्योंकि बहुत डिजिट्स हैं इसमें, तो अब हम इसको सुटेबल करें इजी करते हैं कितना, देखिए अगर हम 21 और 22 को ऐड करते हैं तो हमारी ये इजी डिजिट नहीं आएगी, अगर हम 21 अगर 79 को ऐड कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी 100 में। इसी तरह 22 और 78 को ऐड कर देते हैं तो 100 हो जाता है, और 73 और 77 को ऐड करेंगे तो 300 हो गया, 24 और 76 को ऐड करेंगे तो 400 और 75 को तो 500। देखिए जैसे इसमें कॉलम ब्रैकेट में बना दिए, ऐड करा 100 आ गया 500, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया इजी हो गया, हम इजली इसको कर सकते हैं। अगर उस तरह तो आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, डिजिट चेंज हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, आंसर लेकिन उसमें भी सेम ही आएगा लेकिन हमने सुटेबल तरीके से किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके हैं मैजिकल स्क्वायर, जो आपका स्क्वायर होता है, देखिए जैसे आपका ये स्क्वायर बना हुआ है तो उसमें जो ये बीच में हम लोग ये डालते हैं लाइनअप करते हैं इसको क्या कहते हैं डायगोनल। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ये मैजिकल बॉक्स है, आप इसमें देखिए कुछ बॉक्स इसके फिल हैं और कुछ आपको फिल करने हैं ब्लैंक्स हैं,
ठीक है, तो हम डायगोनल का इसमें ऐड देखते हैं, तो देखिए 20 + 8 + 16 + 24 = 12, तो क्या होता है 80 आता है, और इस डायगोनल का देखते हैं तो सेम आ रहा है 80 आ रहा है, तो क्या है अधिकतर हमारी जो ये लाइनअप है उनका जो ऐड होगा वो 80 ही होगा। अब हम देखते हैं, देखिए जब से इसमें करेंगे ये भी 80 आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, अब हम क्या है हमको वन कॉलम फिल करना है, तो इसको इन सबको ऐड कर लेंगे और आपको 80 में माइनस कर देंगे। देखिए आपको फॉर एग्जांपल में दिया भी है, तो फर्स्ट डायगोनल सारी डिजिट ऐड की है तो 80 आया, सेकंड डायगोनल का क्या है 80 आ रहा है, फिर आपको फोर्थ कॉलम, देखिए फोर्थ कॉलम में जिसमें सभी में नंबर्स दिए हैं उनका भी ऐड कर रहा है तो 80 ही आ रहा है, ओके स्टूडेंट, और फिर इसी तरह सारे बॉक्स का 80 में माइनस करके जिस भी ब्लैंक्स का खाली है उसको ऐड करके फिर 80 में माइनस कर दिया, तो हमारा ये मैजिक बॉक्स कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे जब पढ़ेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।